क्या हुआ पिताजी? आपके चेहरे पर ये चिंता क्यों झलक रही है? सिम्बा शेर सारी घटना चार्ल्स शेर को बताता हुआ बोला, समझ में नहीं आता कि आखिर उस जादुई पक्षी का मैं क्या करूं। अगर मैं उससे सीधा मुकाबला करूंगा तो वो मुझे भी पत्थर का बना देगा। मैंने उस जादुई पक्षी के किस्से अपने दादाजी की जुबान तक से सुनी है। अजीब बात है कि वो जिसे भी पत्थर का बनाता है वो पत्थर भी कुछ समय बाद गायब हो जाता है। आखिर वो जाते कहाँ हैं? अब तो मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। हैरी भेड़िया अपनी पत्नी ब्राउनी के साथ रात के समय एक जंगल में दौड़े चले जा रहा था। दौड़ते हुए मेरे पैर जवाब दे गए हैं, आखिर हम दोनों भाग क्यों रहे हैं? अरे क्योंकि यह इलाका एक जादुई पक्षी का है। ये सुनकर अचानक ब्राउनी के कदम वहीं रुक गए और वो अपने पति से बोली, जादुई पक्षी? मैं कुछ समझी नहीं। कहते हैं इस इलाके में एक जादुई उल्लू रहता है जो यहाँ से निकलने वाले हर प्राणी से उल्टे सीधे सवाल पूछता है। तो इसमें डरने की क्या बात है? अरे मूर्ख, अगर उसे उसके सवालों के सही उत्तर नहीं मिलते हैं तो वो सामने वाले को पत्थर का बना देता है। पत्थर बनने के कुछ दिन बाद वो सब गायब हो जाते हैं। अजी, खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? भागो यहाँ से। वो दोनों भागते हुए कुछ दूर ही चले थे कि तभी एक पक्षी की आवाज उन दोनों के कानों में टकराई। तुम दोनों को मैंने देख लिया है, अब भागने से कोई फायदा नहीं। उन दोनों के कदम वहीं रुक गए। उन दोनों ने देखा कि सामने एक घने पेड़ पर एक नीले रंग का बड़े आकार का उल्लू बैठा हुआ उन दोनों को घूरे जा रहा था। अचानक वो उल्लू उन दोनों की ओर देखकर बोला, मैं ही वो जादुई पक्षी हूँ। अब अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो तुम दोनों पत्थर के बन जाओगे। हमें यहाँ से जाने दो। जरूर जाने दूंगा, पहले मेरे सवाल का जवाब दो। अब जब हम फंसी गए हैं तो फिर अपना सवाल पूछो। बताओ, अगर तुम्हारे सामने दो जंगल हो, एक जंगल में मांस के टुकड़े भरे पड़े हो और दूसरे जंगल में भोजन का नामो निशान तक ना हो, तो तुम किस जंगल में जाओगे? ये तो बहुत ही आसान सा सवाल है। मैं तो खामोखा डर रहा था। जाहिर सी बात है, मांस के टुकड़ों के जंगल में जाना पसंद करूंगा। इतना बोलते ही हैरी भेड़िया और उसकी पत्नी पत्थर के बन गए और जादुई उल्लू रंग बिरंगी किरणों के साथ वहां से गायब हो गया। अगले दिन जब बिली खरगोश वहां से गुजरा तो हैरी और ब्राउनी को पत्थर का बना हुआ देखकर बुरी तरह से घबरा गया और दौड़ता हुआ सिम्बा शेर की गुफा के पास चला गया। क्या बात है बिली, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? जिस बात का डर था महाराज वही हुआ, आपके मेहमान पत्थर के बन चुके हैं। तुम्हारा मतलब है हैरी और ब्राउनी? हाँ महाराज, अभी अभी देख कर आ रहा हूँ, लगता है उस जादुई पक्षी ने उन दोनों को भी पत्थर का बना दिया है। अब कुछ समय बाद वो पत्थर भी गायब हो जाएंगे। इतना बोलकर बिली खरगोश वहाँ से चला गया और शेर खामोशी से एक तरफ बैठकर गहरी सोच में डूब गया। तभी वहाँ पर उसका बेटा चार्ल्स शेर आ गया जो कि जवान था। क्या हुआ पिताजी, आपके चेहरे पर यह चिंता क्यों झलक रही है? सिम्बा शेर सारी घटना चार्ल्स शेर को बताता हुआ बोला, समझ में नहीं आता कि आखिर उस जादुई पक्षी का मैं क्या करूं। अगर मैं उससे सीधा मुकाबला करूंगा तो वो मुझे भी पत्थर का बना देगा। मैंने उस जादुई पक्षी के किस्से अपने दादाजी की जुबान तक से सुनी है। अजीब बात है कि वो जिसे भी पत्थर का बनाता है वो पत्थर भी कुछ समय बाद गायब हो जाता है। आखिर वो जाते कहाँ हैं? अब तो मुझे इस रहस्य का पता लगाना ही होगा। सिम्बा का बेटा चार्ल्स एक बेहद बहादुर और समझदार शेर था। चार्ल्स शेर उसी पेड़ के पास गया जिस पेड़ के ऊपर वो जादुई उल्लू रहा करता था। तुम तो इस जंगल के राजा सिम्बा के बेटे हो, इस जंगल के होने वाले राजा। सुना है कि तुम यहाँ से आने जाने वाले प्राणियों से सवाल करते हो और उन्हें पत्थर का बना देते हो। तुम्हारा क्या सवाल है?
मुझसे पूछो, तुम तो वाकई असली शेर निकले। जादुई उल्लू ने वही सवाल किया जो उसने हैरी और ब्राउनी से किया था। शेर जादुई उल्लू का सवाल सुनकर गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से बोला, इसके सवाल में कोई तो रहस्य है, मुझे इसका उल्टा जवाब देना चाहिए। मैं उस जंगल में जाना पसंद करूंगा जहां पर भोजन का नामो निशान तक मौजूद ना हो। तुम पहले प्राणी हो जिसने सही उत्तर दिया है, लेकिन अब तुम्हें उस सूखे जंगल में जाना होगा। उस जादुई उल्लू ने इतना कहा ही था कि तभी चार्ल्स शेर ने अपने आप को एक दूसरे जंगल में पाया। सारे जंगल में भयंकर सूखा पड़ा हुआ था। वहाँ के पेड़ पौधे सभी सूखे और मुरझाए हुए थे। उस जंगल में किसी भी जीव का नामो निशान तक मौजूद नहीं था। चार्ल्स अपने आप से बोला, जरूर यहाँ कोई रहस्य है। तभी चार्ल्स शेर के कानों में बहुत से जानवरों की आवाज टकराई। चार्ल्स शेर उन जानवरों की आवाजों की दिशा की ओर दौड़ने लगा। कुछ देर बाद चार्ल्स शेर ने अपने आप को एक गुफा के पास मौजूद पाया। चार्ल्स शेर ने देखा उस गुफा के बाहर एक बड़ा सा जाल लगा हुआ था और जाल के अंदर चार्ल्स शेर के जंगल के तमाम जंगली जानवर मौजूद थे जो पत्थर बनकर उसके जंगल से गायब हो चुके थे। तभी चार्ल्स शेर की नजर ब्राउनी और हैरी भेड़िये पर पड़ी। मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और मुझे भी। चार्ल्स शेर अपने सर से उस जाल को तोड़ने का प्रयास करने लगा। तभी चार्ल्स शेर ने अपने आप को एक तालाब के पास एक नीले रंग की चील के पास खड़े हुए पाया। आखिर ये क्या रहस्य है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया? ये एक जादुई जंगल है। अगर तुम अपने जंगल के प्राणियों को आजाद कराना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ से कुछ दूर एक गुफा में जाना होगा। गुफा? कैसी गुफा? उस गुफा के अंदर एक जादूगरनी लोमड़ी रहती है, तुम्हें उसे जान से मारना होगा। मगर याद रखना, उसे मारना इतना आसान नहीं। उसकी मौत का रहस्य मैं जानती हूँ। उसके मरते ही सब कुछ सही हो जाएगा और तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो फिर ठीक है, मुझे उसकी गुफा के पास ले चलो। नीली चील उस गुफा की दिशा की ओर उड़ने लगी और चार्ल्स उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। कुछ ही देर में चार्ल्स एक गुफा के अंदर खड़ा हुआ था और एक लोमड़ी आंखें बंद किए हुए गुफा के अंदर बैठी हुई थी। तो आखिरकार भविष्यवाणी के मुताबिक तुम आ ही गए। कैसी भविष्यवाणी? भविष्यवाणी के अनुसार सिम्बा नाम के शेर का बेटा यहाँ पर आएगा और मुझे मार देगा। सच बताओ, तुमने उस जादुई पक्षी के सवाल का जवाब उल्टा दिया था ना? बकवास बंद करो और मेरे जंगल के प्राणियों को छोड़ दो। तुम यहाँ आए जरूर हो, लेकिन तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते। जल्दी से इसकी गर्दन पर हमला कर दो, यही इसकी कमजोरी है। चार्ल्स शेर ने बगैर कुछ सोचे उस लोमड़ी की गर्दन पर वार कर दिया। लोमड़ी एक ही बार में ढेर हो गई। अगले ही पल चार्ल्स ने अपने आप को उस जादुई उल्लू के पेड़ के पास खड़े पाया। अगले ही पल एक धमाके के साथ वो पेड़ गायब हो गया और वहां पर एक सुंदर तालाब बन गया और वो नीला उल्लू एक बहुत सुंदर जलपरी में परिवर्तित हो गया। ये सब क्या रहस्य है? सुनो, मैं एक जलपरी हूँ। तुम ये तालाब देख रहे हो? इस तालाब के अंदर एक दूसरे जंगल का द्वार खुलता है जो कि दूसरी दुनिया का है। मैं दोनों जगह रहती हूँ। जिस लोमड़ी को तुमने जान से मारा, वो लोमड़ी एक जादूगरनी थी। उसने अपनी जादू की शक्ति से मुझे उल्लू बना दिया था और मेरी माँ को नीली चील में परिवर्तित कर दिया था। लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? मेरे और तुम्हारे हरे भरे जंगल पर कब्जा करने के लिए, और उसी के कारण हमारा हरा भरा जंगल सूखे में बदल गया। अगर तुम उसे ना मारते तो कुछ समय बाद तुम्हारा जंगल भी सूखे में परिवर्तित हो जाता। अगर ऐसी बात थी तो तुम हमसे सीधी मदद मांग सकती थी।
तुम मेरे जंगल के प्राणियों को पत्थर का क्यों बना देती थी? ऐसा करना मजबूरी थी, मैं उसके वश में थी, मजबूर थी। लेकिन एक साधु ने मुझे बताया था कि जिस दिन कोई प्राणी तुम्हारे सवाल का उल्टा जवाब देगा, वो सबसे बहादुर और मन का सच्चा होगा, और भविष्यवाणी के अनुसार सिर्फ वही उस जादूगरनी लोमड़ी का अंत कर सकेगा। तभी वहाँ पर एक नीली चील आ गई और वो भी एक सुंदर जलपरी में परिवर्तित हो गई। उस दूसरी जलपरी ने अपनी छड़ी आगे की और अगले ही पल चार्ल्स शेर के जंगल के सभी गायब हुए जानवर वहाँ पर आ गए। तुम्हारे जंगल के जितने भी जंगली जानवर मैंने पत्थर के बनाए थे, वो सब आजाद हो गए हैं। इतना बोलकर दोनों जलपरियां तालाब के अंदर चली गईं और जंगल में सब खुशी खुशी रहने लगे। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था बिली, तुमने सारे जंगल की नाक में दम कर रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं कई दिनों से इस कारागार में बंद हूँ, मुझे भूखा प्यासा रखा जा रहा है, आखिर मैंने क्या किया है? बहुत समय पहले की बात है, एक जंगल में चार्ली नाम का एक हाथी रहा करता था। जंगल के सभी जानवर चार्ली हाथी के दोस्त थे और वो सभी उसका बहुत सम्मान किया करते थे। एक दिन चार्ली हाथी से उसका दोस्त बिली हिरन बोला, आकाश में ना जाने कितने दिनों से बादल छाए हुए हैं, मगर वर्षा होने का नाम ही नहीं ले रही है। चिंता मत करो बिली, मुझे विश्वास है कि हमारे जंगल में हमेशा की तरह इस वर्ष भी अच्छी बारिश होगी। जंगल के सभी तालाब सूख चुके हैं, मेरा प्यास के मारे बुरा हाल है। हमारे जंगल की सीमा पर जो झील बहती है, मैं तो वहाँ पानी पीने जा रहा हूँ। ऐसी गलती मत करना बिली, जंगल के राजा शेर ने वहाँ जाने से सख्त मना किया हुआ है। मगर बिली ने चार्ली की बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया, वो झील की ओर दौड़ने लगा। ये बिली भी ना, लगता है खुद भी मुसीबत में फंसेगा और सारे जंगल को भी फंसाएगा। बिली हिरन जाकर झील का पानी मस्ती से पीने लगा। तभी अचानक एक बहुत बड़ी मछली झील के अंदर से निकलकर बिली हिरन को गौर से देखने लगी। अगले दिन बिली हिरन किसी गहरी सोच में जंगल में घूम रहा था कि तभी उसे चार्ली हाथी मिल गया। मैं तुम्हें कल से ढूंढ रहा हूँ बिली, तुम कहाँ थे? तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? अरे क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं। कल तुम जंगल की सीमा की झील पर पानी पीने गए थे ना, उसके बाद से तुम दिखाई नहीं दिए, मैं तो डर गया था। हाथी और हिरन कभी दोस्त नहीं होते। इतना कहकर बिली हिरन वहाँ से दौड़ता हुआ चला गया। ये बिली को क्या हो गया, ये तो ऐसा नहीं था। कुछ ही देर बाद बिली हिरन दो भेड़ियों जो कि कुछ मांस के टुकड़े खा रहे थे उनके सामने खड़ा हुआ उन्हें खा जाने वाली नजरों से घूरने लगा। ऐसे क्या देख रहा है बे? वो तो अच्छा है कि हमारे पास खाने को मांस है, नहीं तो आज हम तेरा ही मांस खाते। और हमारा इरादा इससे पहले बदल जाए, यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। ये मांस के टुकड़े मुझे दे दो, मुझे बहुत तेजी से भूख लगी है, और अपनी जान बचाना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। ये क्या बकवास है, हिरन भला क्या मांस खाते हैं? अरे वो तो दूसरों के खाने का मांस बनते हैं। ऐसा तो किसी भी कीमत पर संभव ही नहीं। सब कुछ संभव है और ये तुम्हें कुछ देर में पता चल जाएगा। इतना बोलकर बिली हिरन ने दौड़ते हुए अपने सर से उन दोनों भेड़ियों के ऊपर वार कर दिया। वो दोनों हवा में उछलते हुए सीधे पेड़ से जा टकराए और अविश्वसनीय नजरों से बिली हिरन को देखने लगे। अभी भी समय है, यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे। इतना बोलकर बिली हिरन पागलों की तरह उन मांस के टुकड़ों को खाने लगा। ये देखकर वो दोनों भेड़िये डरते हुए सीधे जंगल के राजा शेर के पास पहुंच गए। जंगल के राजा शेर, उसने हमारा मांस छीन लिया और हम पर हमला करके हम दोनों को घायल भी कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है,
एक मासूम हिरन तुम दोनों को कैसे मार सकता है? और हिरन तो कभी मांस खाता ही नहीं। हमने अपनी आंखों से देखा है, वो सच है शेर राजा। भेड़िये की बातें सुनकर शेर राजा गहरी सोच में गुम हो गया। ठीक है, तुम दोनों अभी जाओ, पहले मैं इस बात की तह तक जाऊंगा। वो दोनों भेड़िये मुंह लटकाकर वहां से चले गए। उस दिन के बाद शेर राजा के पास रोज रोज बिली हिरन की शिकायतें आने लगी। कोई कहता कि बिली हिरन ने उसके ऊपर हमला कर दिया, तो कोई कहता कि बिली हिरन उसका मांस छीन कर ले गया। ये बात उड़ते उड़ते जब चार्ली हाथी के कानों तक पहुंची, तो वो गहरी सोच में डूबता हुआ अपने आप से बोला, मुझे तो उसी दिन से कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिस दिन बिली मेरे मना करने के बावजूद जंगल की झील के पास गया था। मुझे वहां जाकर देखना चाहिए। इतना बोलकर चार्ली हाथी उस झील के किनारे चला गया। तभी रंग बिरंगी रोशनी के साथ पानी के अंदर से एक बेहद सुंदर जलपरी निकलकर चार्ली हाथी के सामने आ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस झील का पानी पीने की? तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं यहाँ पर किसी का पता लगाने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो सफाई देनी है हमारे इस जादुई झील के नीचे कारागार में देना। अचानक चार्ली हाथी ने स्वयं को पानी के अंदर जादुई झील में एक कारागार के अंदर बंद पाया, जहां पर वो बिली हिरन को देखकर बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था बिली, तुमने सारे जंगल की नाक में दम कर रखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक तो मैं कई दिनों से इस कारागार में बंद हूँ, मुझे भूखा प्यासा रखा जा रहा है, आखिर मैंने क्या किया है? बिली हिरन की बात सुनकर चार्ली हाथी बुरी तरह से चौंक पड़ा। तुम्हारे जंगल के राजा को ये कानून अच्छी तरह से पता है कि हम जलपरियों की इस झील से कोई भी पानी नहीं पीता, फिर भी तुम दोनों इस जादुई झील का पानी पीने चले आए। कुछ दिनों पहले मेरा दोस्त बिली हिरन इस झील का पानी पीने के लिए आया था, और अगले दिन से उसके व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन आ गया। वो दूसरों का मांस छीनकर खाने लगा। मैं इसी बात का पता लगाने के लिए इस झील के पास आया था। बिली, कहीं तुमने अजीब सी बड़ी मछली तो नहीं देखी थी? हाँ, मैंने वही देखी थी, और मैं अचानक बेहोश हो गया था। होश आने पर मैंने स्वयं को इस कारागार में बंद पाया। वो कोई मामूली मछली नहीं थी, बल्कि इंसानों और जानवरों के वजूद में आने से पहले की बहुत प्राचीन मछली है, जो एक जादुई मछली है। उसने इस झील की सभी जलपरियों की भी नाक में दम कर रखा है। वो तुम्हारे दोस्त बिली का रूप लेकर तुम्हारे जंगल में घुस चुकी है। उसे यहाँ पर लाना बहुत जरूरी है, नहीं तो वो जंगल को तहस नहस कर देगी। इतना बोलकर उस जादुई परी ने अपनी छड़ी आगे कर दी, और चार्ली हाथी और बिली हिरन ने स्वयं को झील के किनारे मौजूद पाया। जाओ, किसी भी तरह से बहाना बनाकर अपने दोस्त बिली की हमशक्ल को यहाँ लेकर आओ। मैं समझ गया, मुझे क्या करना है। इतना बोलकर चार्ली हाथी दौड़ता हुआ बिली हिरन के हमशक्ल को ढूंढने के लिए निकल गया। कुछ ही देर में उसे बिली हिरन का हमशक्ल जंगल के राजा शेर से लड़ते हुए मिल गया। तुम्हारी बहुत शिकायत सुन ली मैंने बिली हिरन, अब तुम्हारा अंत नजदीक है। तो फिर देर किस बात की है, एक बार मुकाबला करके तो देखो, अभी पता लग जाएगा कि असली राजा कौन है। मेरे दोस्त, हमारे जंगल के राजा शेर तो कमजोर राजा हैं। अगर तुम्हें लड़ना ही है तो जाओ, जाकर अपनी झील के किनारे रह रहे उस शेर से लड़ो, जो कि खुद को सर्वशक्तिमान कहता है। अगर ऐसी बात है तो फिर सबसे पहले मैं उसी से मुकाबला करूंगा, चलो मेरे साथ। चार्ली हाथी बड़ी चालाकी से बिली हिरन के
देखते हमशक्ल को सीधा झील के पास ले गया। अचानक वो जलपरी बाहर निकल कर आ गई और उसने अपनी जादुई छड़ी बिली हिरन के हमशक्ल के सामने कर दी। उसमें ऐसी रंग बिरंगी किरणें निकलने लगी और बिली हिरन का हमशक्ल एक मछली में परिवर्तित हो गया। मगर जैसे ही उसने पानी में छलांग लगाने की कोशिश की, वो हवा में उछलती हुई पेड़ से टकराकर गिर गई। मुझे झील के अंदर ले लो, मैं पानी के अंदर ही अपना रूप परिवर्तित कर सकती हूँ। जानती हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें झील के अंदर नहीं आने दिया। अब तुम तड़प तड़प कर अपने इसी असली रूप में मरो, क्योंकि अब इस झील में वापस आने के तुम्हारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, घमंडी मछली। कुछ ही देर में वो घमंडी जादुई मछली तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। तभी वहां पर शेर राजा पहुंच गया और चार्ली हाथी ने सारी घटना शेर राजा को बता दी। चार्ली हाथी और बिली हिरन की वजह से हमारी झील में बरसों से रह रही इस घमंडी जादुई मछली का अंत हुआ है। इसलिए आज से इस जंगल का हर जानवर इस झील का पानी पी सकता है। इतना बोलकर वो जादुई जलपरी गायब हो गई।